हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन सॉल्यूशंस 2 स्टार्ट करेंगे पढ़ना. तो ये उसका पार्ट 1 है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. सो सॉल्यूशंस 2 इज़ आर यूनिट 2 ऑफ 135 जो अपन को पढ़ना है. और इसमें अपन पढ़ेंगे इमिसिबल एंड द पार्शली मिसिबल लिक्विड पेयर्स. क्योंकि हमने पार्ट 1 में सॉल्यूशंस 1 में जो यूनिट हमारी 1 थी, है ना, उसमें हमने पढ़ा था कि कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं. राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ, आइडल सॉल्यूशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन. नाउ हियर वी विल डील विथ व्हाट पार्शली मिसिबल एंड द इमिसिबल लिक्विड पेयर्स. तो उसमें हमें स्टीम डिस्टिलेशन जो हमारा इम्पॉर्टेंट है और नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्शली मिसिबल लिक्विड सिस्टम से. तो देखो, जब हम कहते हैं कि पार्शली मिसिबल सिस्टम, इसका मतलब कुछ लिक्विड पेयर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ये सल्यूशन नहीं बनाते. लिक्विड पेयर्स विच डू नॉट फॉर्म सल्यूशन इन व्हाट, किसी भी कॉम्पोजिशन में, इन ऑल कॉम्पोजिशन, हर कॉम्पोजिशन में ये लिक्विड पेयर्स जो है सल्यूशन नहीं बनाते. बट क्या होता है कि अगर हमने कोई फैक्टर जैसे टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो ये जो लिक्विड्स थे जो सॉल्यूशन नहीं बना रहे थे, ये लिक्विड पेयर अब घुल जाएंगे, अब ये मिसेबल हो जाएंगे. तो ऐसे टाइप के जो लिक्विड पेयर्स होते हैं उनको हम कहते हैं पार्शली मिसेबल लिक्विड्स. ठीक है, क्या बोला मैंने, ऐसे कुछ लिक्विड पेयर्स जो सॉल्यूशन नहीं बनाते हर कॉम्पोजिशन पे, बट अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है आपस में, और ये क्या होते हैं, मिसिबल हो जाते हैं कंप्लीटली. ठीक है, तो ऐसे लिक्विड्स, लिक्विड पेयर्स को हम कहते हैं पार्शली मिसिबल लिक्विड. अब अपन यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं फिनॉल एंड द वाटर. ठीक है, मान लो ये एक बीकर है, इसमें फिनॉल और वाटर है. फिनॉल और वाटर का ये पेयर है जो कि बीकर में हमने डाला है. अब क्या होता है कि आपने मान लो ये वाटर लिया है, और अब आप यहाँ से फिनॉल को ऐड करना स्टार्ट कर रहे हो. सो व्हेन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फिनॉल इज एडेड, बहुत कम अमाउंट आपने ऐड किया, तो क्या होगा, इट डिजॉल्व कम्प्लीटली. ठीक है, तो ये पूरा घुल जाएगा पानी में, तो हमें क्या मिलेगा, वन फेज ओनली. तो इसको हम कह सकते हैं सल्यूशन, क्योंकि सल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड, है ना. सल्यूशन कलरलेस भी हो सकता है और कलर्ड भी हो सकता है, लेकिन कलर्ड हो तो ट्रांसपेरेंट हो, ये कंडीशन होती है, पहले भी मैंने आपको बताया. तो मान लो ये वाटर है और आप यहाँ से फिनॉल ऐड कर रहे हो, तो आपने जब बहुत कम अमाउंट ऑफ फिनॉल ऐड किया तो ये घुल जाएगा पानी में, बट धीरे धीरे आप फिनॉल का एडिशन कंटिन्यू रख रहे हो, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि फिनॉल जो है डिजॉल्व नहीं होगा वाटर में. ठीक है, इस पॉइंट पे आपको दो फेजेस दिखेंगे, एक फिनॉल का फेज, एक वाटर का फेज. अब यहाँ पे क्या होगा, टू फेजेस, टू लिक्विड लेयर्स आपको दिखेंगी. ठीक है, एक क्या होगी कि यहाँ मान लो पानी था, तो यहाँ पे थोड़ा 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 फिनॉल भी होगा, तो इस लेयर को आप बोलोगे, क्या बोलोगे इस लेयर को, ये वो वाली लेयर है, ये वाली वो वाली लेयर है जिसमें वाटर में आपने फिनॉल डाला है. तो ये वाली लेयर क्या हो गई, वाटर सैचुरेटेड विथ फिनॉल वाली लेयर हो गई. ठीक है, कि यहाँ पानी था बट यहाँ थोड़ा थोड़ा फिनॉल आ गया. अब ये फिनॉल था यहाँ पे, और आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी भी आ जाएगा. सो ये वाली लेयर होगी फिनॉल सैचुरेटेड विथ वाटर वाली लेयर. तो आपको यहाँ पे दो लेयर्स दिखेंगी. ठीक है,
और क्या होगा, अगर आप फर्दर एडिशन करते जाते हो फिनॉल का, तो वाटर यहाँ से शिफ्ट होके फिनॉल में आ जाएगा। सो क्या कहेंगे इसको हम, फिनॉल रिच लेयर, क्योंकि वाटर पूरा फिनॉल में आ गया, तो कम ज्यादा किसका अमाउंट हो गया, फिनॉल का, है ना। सो वी विल से दैट फर्दर एडिशन ऑफ फिनॉल इट विल कॉज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम ये वाली लेयर से फिनॉल रिच लेयर में आ जाएगा, ऊपर वाली लेयर में, ठीक है। अगर अभी भी आप फिनॉल का एडिशन कंटिन्यू रखते जा रहे हो, कंटिन्यू रखते जा रहे हो, सो क्या होगा यहाँ पर, अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन फिनॉल एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। अगर आपने इसका कंटिन्यूएशन रखा फिनॉल के एडिशन का, है ना, अभी भी आप फिनॉल ऐड करते जा रहे हो, ऐड, तो अब क्या होगा, फिनॉल जो होगा वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करने लगेगा, क्योंकि फिनॉल का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, और सॉल्यूट कम होता है। सो यहाँ क्या होगा, अब क्या होगा कि सॉल्वेंट की तरह एक्ट करने लगेगा जितना पानी है उसके लिए, ठीक है। एंड द टू फेसेस, जो अलग अलग फेसेस हमें दिख रहे थे, दो लेयर, जो एक वाटर सैचुरेटेड विथ फिनॉल एंड फिनॉल लेयर सैचुरेटेड विथ वाटर, ये दोनों मर्ज हो जाएंगी, और मर्ज होने के बाद ये एक सिंगल सोल्यूशन या सिंगल फेज बनाएंगी, और इसको हम कहेंगे सिंगल फेज सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग लेयर नहीं है, अब ये पूरा एक सिंगल फेज हो गया है, सिंगल फेज। अब हम इसको कह सकते हैं कि सल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल, ठीक है। अब सल्यूशन ऑफ मतलब वाटर फिनॉल में प्रेजेंट है, क्योंकि फिनॉल का अमाउंट ज्यादा हो गया है, तो फिनॉल सॉल्वेंट की तरह एक्ट करने लगा है, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट पे आपने शेक कर दिया, है ना, शेक कर दिया, तो अलग अलग दोनों लेयर्स फिर से हो जाएंगी, ठीक है। ये पूरा इसका प्रिंसिपल था, आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा कि पार्शली मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। हमने तीन कंडीशन ली, जब हमने थोड़ा सा फिनॉल ऐड किया तो कम्प्लीटली मिसिबल था, सॉल्यूशन था, आप बढ़ाते जा रहे हो ऐड करना, तो आपको दो लेयर्स मिल रही हैं, एक लेयर जिसमें नीचे पानी था तो थोड़ा सा फिनॉल आ गया, तो वाटर सैचुरेटेड विथ फिनॉल, ऊपर वाली लेयर में फिनॉल था, पानी आ गया, फिनॉल सैचुरेटेड विथ वाटर, फिर से और ऐड करते जा रहे हो किसको, फिनॉल को, तो आपको फिनॉल सॉल्वेंट की तरह एक्ट करने लगा, क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा हो गया है। तो ये होते हैं पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। अब इनका कुछ टेम्परेचर होता है जिस पे घुलते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो चीज हमें यहाँ डिस्कस करनी है, इट इज सी एस टी, ठीक है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। सो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द कंपोजिशन ऑफ टू लेयर्स भले एक दूसरे से अलग है, बट ये कॉन्स्टेंट रहती है एज लॉन्ग एज दो फेजेस प्रेजेंट है। जब तक दो फेजेस प्रेजेंट हैं, एक वाटर का एक फिनॉल का, तो कॉम्पोजिशन कॉन्स्टेंट रहेगा, भले इनका अलग अलग है, फिनॉल का कॉम्पोजिशन अलग है, वाटर का अलग है, बट जब तक ये दो लेयर्स प्रेजेंट है, इनका कॉम्पोजिशन जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। कब, एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सच सॉल्यूशंस जिनका कॉम्पोजिशन क्या कहना चाहिए हमें, ऐसे सॉल्यूशंस जो एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दो सॉल्यूशंस की लेयर हैं, दोनों का कॉम्पोजिशन अलग है, बट ये कॉन्स्टेंट रहता है, कहाँ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो ये ऐसे सॉल्यूशंस तो एक साथ प्रेजेंट है, इनको हम कहते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। अब अगर आप क्या कर रहे हो, एडिशन किसका, फिर से फिनॉल का, ये वाटर है, ये फिनॉल है, अब फिर से एडिशन कर रहे हो फिनॉल का, है ना, द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फिनॉल और वाटर चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ टू लेयर्स एंड नॉट देयर कंपोजिशन। या तो आप फिनॉल का एडिशन कर रहे हो, या तो आप वाटर का कर रहे हो, तो इनका
कंपोजिशन चेंज नहीं होगा कि फिनॉल तो फिनॉल है, वाटर का भी H2O ही है ना, तो आपके ऐड करने से इनका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, बट हाँ वॉल्यूम तो चेंज हो गई। फिनॉल ऐड कर रहे हो, वाटर नहीं कर रहे, तो फिनॉल का वॉल्यूम बढ़ेगा। वाटर कर रहे हो, फिनॉल नहीं कर रहे हो, वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, सो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ऐसे लिक्विड का, तो उनका जो बिहेवियर रहता है सेम रहता है एक्सेप्ट सॉलिबिलिटी। क्या होता है कि सॉलिबिलिटी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो दोनों की बढ़ने लगती, सो म्यूचुअल सॉलिबिलिटी बढ़ती है, इसलिए यहाँ पे टर्म जो यूज है वो म्यूचुअल सॉलिबिलिटी है। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया फिनॉल की सॉलिबिलिटी वाटर में बढ़ेगी, वाटर फिनॉल में सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। सो अब यहाँ पे आती है टेम्परेचर की बात। सो व्हेन द टेम्परेचर रीचेस 338 केल्विन, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंडेड डेटा है, इसलिए जैसे ही टेम्परेचर 338 केल्विन पहुंचता है द कॉम्पोजिशन ऑफ द टू लेयर सेम हो जाता है। कॉम्पोजिशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, और द टू लिक्विड आर कंप्लीटली मिसेबल। तो एट 338.8 एंड अबव दिस टेम्परेचर फिनॉल एंड वाटर आर कंप्लीटली सॉलिबल या मिसेबल। सो हमने क्या देखा कि इस टेम्परेचर पे या इससे ऊपर फिनॉल और वाटर कंप्लीटली सॉलिबल हो जाते हैं, और ये एक सिंगल लिक्विड जैसे हमें अपियर होते हैं। सो फिनॉल एंड वाटर डिजॉल्व इन ईच अदर इन ऑल प्रपोर्शन एंड यील्ड ओनली सिंगल लिक्विड। द वेरिएशन ऑफ म्यूचुअल सॉलिबिलिटी ऑफ वाटर एंड फिनॉल विद टेम्परेचर का एक ग्राफ बना हुआ है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि आप यहाँ देखोगे इस ग्राफ में तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ पर आप देखो सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, तो ये जो ए पॉइंट है इट इज रिच विथ वाटर। ठीक है, ए पॉइंट, ए वन जो पॉइंट है यहाँ पे सिर्फ फिनॉल प्रेजेंट है, तो यहाँ ये वाला पॉइंट जो है फिनॉल रिच है, ये हमारा वाटर रिच है। अब क्या है कि बिटवीन दीज टू कॉम्पोजिशन ऑल मिक्सचर्स विल यील्ड टू लेयर्स ऑफ कॉम्पोजिशन ए एंड ए वन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें दो लेयर्स मिलेंगी, मतलब एक लेयर फिनॉल की, एक लेयर वाटर की। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ टेम्परेचर कम है, तो हमें दो लेयर्स दिख रही हैं। बट इस डोम शेप के बाहर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है 338 पे जैसे ही आओगे आपको एक लेयर मिलेगी। सो आउटसाइड दिस कॉम्पोजिशन ओनली वन लेयर इज फाउंड एंड दोनों लिक्विड सॉलिबल हैं एट 325 केल्विन एंड इसके ऊपर 338 केल्विन तक। सो वी कैन कंक्लूड व्हाट कि द डोम शेप्ड एरिया रिप्रेजेंट्स व्हाट लार्ज आई मीन रेंज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू लिक्विड फेसेस, मतलब ये जो डोम एरिया है इसमें दो लिक्विड दो लेयर्स हैं, तो यहाँ पे दो फेसेस हैं, और इसके बाहर जो है यहाँ से वन फेज है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिबिलिटी बढ़ती है, तो यहाँ पर हमारा वन लेयर हमें मिलेगी। सो ये टेम्परेचर जो कि पॉइंट बी को करस्पॉन्ड कर रहा है, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। ओके, और कॉन्सुलेट कॉन्सुलेट टेम्परेचर। सो उसी टेम्परेचर को जहाँ पे दोनों लिक्विड लेयर्स मिसेबल हैं, उस टेम्परेचर को द टेम्परेचर एट विच टू लिक्विड आर कंप्लीटली मिसेबल विथ ईच अदर इज नोन एज सीएसटी और द कॉन्सुलेट टेम्परेचर। ओके, सो अब सिंस द सॉलिबिलिटी ऑफ फिनॉल एंड वाटर इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर है ना, द क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर लाइज ऑन द टॉप ऑफ द डोम, ये मैंने अभी आपको बताया है। इस ऐसे टाइप के लिक्विड्स को हम कहते हैं अपर
क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर को जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर सॉल्युबल होंगे, ऐसे लिक्विड पेयर्स, उनको हम कहेंगे कि वो एग्जिबिट कर रहे हैं अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर. हेंस सच लिक्विड्स आर सेट टू पॉसेस एन अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और द अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर. तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर फॉर फिनॉल एंड वाटर इज 338. इसके इस पे एंड इसके ऊपर ये दोनों कम्प्लीटली मिसेबल हैं और इनका जो कॉम्पोजिशन है वो है 36.1% और 63.9% वाटर. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बोलो कि सी पॉइंट पे रिलेटिव अमाउंट क्या होगा दोनों लिक्विड का, ये जो लाइन है इस लाइन को हम कहते हैं टाई लाइन. और अगर ये टाई लाइन है, अगर आप बोलो सी पॉइंट पे ये जो पॉइंट सी है इस पे आपका रिलेटिव अमाउंट क्या होगा दोनों लेयर्स का, तो आप इसको बोल सकते हो मास ऑफ लेयर ए, ए लेयर का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ लेयर ए वन. सो ए लेयर का मास इज ए वन सी और ए वन लेयर का मास इज ए सी. ठीक है, को डिवाइड करने से हमें रिलेटिव कंपोजिशन सॉरी अमाउंट मिल जाएगा. ओके, नाउ यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको बोला कि ऐसे लिक्विड्स जो कि ऊपर वाले टेम्परेचर पे क्या है सॉल्युबल है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, उसको हम बोलते हैं अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर. बट ऐसे लिक्विड पेयर भी होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे सॉल्युबल हैं, है ना, या मिसेबल हैं, उनको हम क्या कहते हैं लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर वो एग्जिबिट कर रहे हैं. तो उनका एग्जाम्पल है ट्राई इथिलामीन और वाटर. ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में आते हैं. ओके, सो सम लिक्विड पेयर्स लाइक ट्राई इथिलामीन वाटर जिनका म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर क्या कहना चाहिए कि हमें टेम्परेचर कम करने से इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती है. ठीक है, ऊपर केस अलग था कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी तो उसका हमें ग्राफ अलग मिला फिनॉल वाटर का. बट कुछ ऐसे लिक्विड पेयर भी होते हैं जिनका टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो उनका ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे हमें एक लेयर देंगे, मतलब यहाँ पे इनका सोल्यूशन बनेगा. यहाँ तो सोल्यूशन है ही नहीं, है ना, यहाँ पे ये पार्शली मिसेबल लिक्विड पेयर्स हुए. ये यहाँ पे जो आउटसाइड द हाफ डोम है उसके नीचे हमें वन लेयर मिलेगी. सो एज द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड इनकी सॉलिडिटी इंक्रीज होती है एंड बिलो द कॉन्सुलेट टेम्परेचर ये लिक्विड पेयर्स मिसेबल होते हैं हर प्रपोर्शन में. ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं लोअर कॉन्सुलेट टेम्परेचर. तो इसका एग्जाम्पल है ट्राई इथिल अमीन एंड द वाटर. सो इनका जो टेम्परेचर है वो है अबव 291.5 केल्विन. अगर आप इसको शेक करते हो तो आपको दो लेयर्स मिलेंगी, और अगर 291.5 के नीचे टेम्परेचर जाता है तो ये दोनों एक लेयर बना लेंगे क्योंकि आप इसमें घुल जाएंगे. अब अभी क्या होता है कि ऐसे एक और लिक्विड पेयर्स भी होते हैं जो जैसे निकोटीन एंड वाटर जो कि अपर और लोअर बोथ शो करते हैं. उनका एग्जाम्पल है निकोटीन एंड द वाटर, ये दोनों शो करते हैं. सो लिक्विड पेयर्स कंप्लीटली मिसेबल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर तो हम बोलेंगे अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर, अगर नीचे घुल रहे हैं तो लोअर कॉन्सुलेट टेम्परेचर. तो इनकी जो सॉलिबिलिटी और का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ है वो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि ये जो सर्कल है इसके अंदर हमें दो लेयर मिल रही है, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो हमें एक लेयर मिलेगी, अगर कम किया तो हमें एक लेयर मिलेगी. ठीक है, यहाँ निकोटीन और वाटर का आपने एग्जाम्पल लिया है. सो हमने तीन एग्जाम्पल देख लिया, फिनॉल वाटर,
कंप्लीटली मिसेबल अपर कॉन्सुलेट का, लोअर कॉन्सुलेट का ट्राइथेलामीन वाटर, और दोनों एग्जिबिट करने वाले का निकोटीन और वाटर. ओके सो अब एक टॉपिक और है. सो ये टेबल दी है, ये आप लोग देख लेना. अब जैसे इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, तो अगर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी होती है भी एक फेज में या दोनों फेज में, तो जो सीएफसी की वैल्यू है वो चेंज होती है. ठीक है, क्योंकि लिक्विड का कंपोजिशन भी चेंज होता है. सो कंपोजिशन चेंज हो रहा है और सीएफसी वैल्यूज दोनों चेंज होती है हमारी. तो जो सब्सटेंस अगर एक ही लेयर में सॉल्युबल है, तो इफ सब्सटेंस सॉल्युबल इन वन लेयर, तो ये जो सीएसटी की वैल्यू है, अपर सीएसटी की वैल्यू जो है उसको बढ़ा देते हैं. ठीक है, और लोअर सीएसटी वैल्यू को क्या करते हैं, कम कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर 1% सोडियम क्लोराइड का इम्प्योरिटी अगर आ जाता है सॉल्यूशन में, फिनॉल वाटर सिस्टम में, तो ये अपर सीएसटी टेम्परेचर को बढ़ा देता है और लोअर वाले को कम कर देता है. अबाउट 1.12 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नैप्थिलीन, जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, है ना, इतना मोलर सॉल्यूशन फिनॉल में क्या करता है, रेज कर देता है अपर सीएसटी वैल्यू को फिनॉल वाटर सिस्टम के लिए. कितने डिग्री से? 30 डिग्री से. और सोडियम क्लोराइड कितने से रेज करता है? 12 डिग्री से. अब अगर ऐसी कोई इम्प्योरिटी दो जो कि दोनों फेसेस में सॉल्युबल है, तो ये क्या करती है, इम्प्योरिटी सॉल्युबल इन बोथ फेजेस, तो ये क्या करती है, अपर सीएसटी जो वैल्यू है उसको कम कर देती है और लोअर सीएसटी वैल्यू को बढ़ा देती है. ठीक है, सो एग्जांपल लिया है सोडियम ओलिएट का, वो जो कि सॉल्युबल है फिनॉल वाटर दोनों में, तो अगर आप 1% सॉल्यूशन सोडियम ओलिएट का ऐड कर देते हैं, तो इट लोअर्स द अपर सीएसटी वैल्यू को ये 45 डिग्री से कम कर देती है. ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि अगर इम्प्योरिटी होगी तो सीएसटी वैल्यू जो है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की वैल्यू वेरी करेगी. एंड एज मेंशन्ड अबव, क्या कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम ओलिएट, है ना, एज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम ओलिएट लोअर्स द सी एस टी वैल्यू ऑफ फिनॉल वाटर सिस्टम कंसिडरेबली, एंड दस बाई मेकिंग फिनॉल कंप्लीटली मिसिबल विथ वाटर, अगर हमने फिनॉल को कंप्लीटली मिसिबल करा दिया वाटर में और आपने थोड़ा सा सोडियम ओलिएट डाल दिया, तो एस इस टाइप से हम डिसइनफेक्टेंट बनाते हैं, जैसे लाइसॉल है. तो अगर आपने ऐसा कुछ करा, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था पार्शियली मिसिबल लिक्विड में, कि फिनॉल और वाटर को अगर ऐड करते जाओ फिनॉल को वाटर में, तो एक लिक्विड हमें मिल जाता है, सोल्यूशन मिलता है. तो अगर आप ऐसा करते जाओगे और आपने 1% या अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके आपने सोडियम ओलिएट ऐड कर दिया, तो आप उससे डिसइनफेक्टेंट्स बना सकते हो, जैसे लाइसॉल. ठीक है, तो ये था पार्शली मिसिबल लिक्विड्स. देन वी विल स्टार्ट विद द इमिसिबल लिक्विड पेयर्स, और इसमें हम नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे फोकस करेंगे. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. अगर समझ आता है तो प्लीज माई अमेजिंग शेयर एंड सब्सक्राइब टू. थैंक यू.